नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 24 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू होगा पंचायत चुनाव का मतदान, पहले चरण के तहत डाले जाएंगे वोट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बजा बिहार का डंका। गूगल ने आईआईटी पटना के 6 हीरो को दिया लाखों का ऑफर। पटना हाईकोर्ट में मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी, होगी 8 जजों की नियुक्ति। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चयनित शिक्षकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी सरकार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। फ्री में ले सकेंगे बिजनेस का प्रशिक्षण। एग्रीकल्चर से संबंधित नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। अगर आप भी एग्री से संबंधित नौकरी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एग्री क्लिनिक्स खोलने या फिर एग्री बिजनेस की ट्रेनिंग लेने के लिए नए बैच की शुरुआत होने जा रही है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की नोडल एजेंसी सृष्टि फाउंडेशन एग्री बिजनेस में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिसके तहत कृषि विषय से इंटर, स्नातक, मास्टर्स डिग्री लेने वाले साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर 27 सितंबर को एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस की ट्रेनिंग के लिए पटना के किदवईपुरी स्थित रश्मि कॉम्प्लेक्स में साक्षात्कार लिया जाएगा। ज्ञात हो ट्रेनिंग की अवधि 45 दिन की होगी। आज से शुरू होगा पंचायत चुनाव का मतदान, पहले चरण के तहत डाले जाएंगे वोट। बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार आज खत्म होने वाला है, जिसके तहत पहले पड़ाव की शुरुआत आज से होने वाली है, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान होगा, जो कि बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोट डाल के शुरू किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग तैयारी की निगरानी बीते दिन से ही शुरू कर चुका है। बताया गया है कि मतगणना अनुमंडल स्तर पर होगी, हालांकि कई जिलों में जिला स्तर पर एक ही जगह मतगणना की व्यवस्था की गई है। वहीं आज होने वाले मतदान में कोरोना से बचाव को लेकर भी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। 25 सितंबर को दिल्ली जा रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 26 सितंबर को होने वाली उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है, जो कि देश में उग्रवाद प्रभावित राज्यों की बैठक दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने आमंत्रित किया है। सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। बता दें कि बिहार के अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा को प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है। बिहार के एसपी समेत सीनियर ऑफिसर पर पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त। बिहार में सभी जिलों के एसपी और वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा गंभीर मामलों के घटित होने पर भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे जाने के मामले पर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गई है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के एसपी, डीआईजी और आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसमें सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गंभीर मामले घटित होने पर न सिर्फ जिलों के एसएसपी, एसपी बल्कि डीआईजी और आईजी भी घटनास्थल पर जाएंगे, जिसके बाद घटनास्थल पर वरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ एसडीपीओ और थानाध्यक्ष को जरूरी निर्देश देंगे, जिससे मामले के अनुसंधान में काफी सहायता मिल सकती है। बिहार यूपी के पुलिस अफसरों ने सुरक्षा के मद्देनजर बनाया एक्शन प्लान। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बिहार यूपी के पुलिस अफसरों ने क्राइम कंट्रोल समेत तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत दोनों राज्यों के थानाध्यक्षों की संयुक्त बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया कोतवाली थाने में सम्पन्न हुई बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों ने समन्वय स्थापित कर नियंत्रण में अपनी भूमिका निर्वहन करने का फैसला लिया है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश के सटे बिहार के चक्की, सिमरी और ब्रह्मपुर के इलाके से बड़े पैमाने पर मद्य पदार्थ और बालू को अवैध तरीके से बिहार में पहुंचाने का काम किया जाता था, जिसमें कई लोगों का नाम सामने आया है। इन्हीं सब को देखते हुए अब यूपी पुलिस और बिहार पुलिस सतर्क हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के कई हिस्सों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। इसमें बिहार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने बिहार में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान इन राज्यों की दृश्यता कम हो जाएगी और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री कमी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के समय बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बजा बिहार का डंका। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ऐसे में बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाली एक और खबर निकल करके सामने आई है, जिसके तहत अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय छात्र शरद सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन का छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया है, जहां 50 देशों के 1200 से अधिक छात्रों ने शरद सागर को चुना है। आपको बता दें कि विवेक देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह जिले सिवान के जीरादोई से रहने वाले हैं।
बिहार के सिवान के शरद विवेक सागर को लोग 21वीं सदी का विवेकानंद भी कहते हैं। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए हुए चुनाव की बात करें तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने हाल ही में चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की है, जिसके बाद अब अध्यक्ष के रूप में सागर छात्र संघ का नेतृत्व करेंगे। जिले के महाबोधि मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये स्थल बौद्ध धर्म के लिए बेहद ही खास महत्व रखता है। इसी स्थान पर लगभग 2500 वर्ष पहले पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने तप किया था। कहते हैं कि 49 दिनों की कठोर तपस्या के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा सी को उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो पीपल का वृक्ष वर्तमान में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व भर के बौद्ध समुदाय के लोग यहाँ भगवान बुद्ध की पूजा हेतु जमा होते हैं। बौद्ध मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध का पद्माकार आसन भी है। दुनिया भर के पर्यटक का यह आकर्षण का केंद्र है, इसीलिए अगर आप कभी भी बिहार आते हैं या गया जाते हैं तो इस जगह का भ्रमण जरूर करें। बिहार में खाद की किल्लत से किसान दिखे आक्रोशित। बिहार में खाद की भारी कमी बताई जा रही है, जिसके कारण अब किसानों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। खाद की किल्लत को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही मंजर बीते दिन भी देखने को मिला, जब खाद की किल्लत की मांग करते हुए बिहार में खाद की कमी को लेकर कई अलग अलग जिलों के किसानों ने खूब बवाल काटा, जिसके तहत ही किसानों ने धनरुआ के बिरंची मोड़ के पटना गया स्टेट हाईवे को जाम कर घंटों हंगामा किया, जिसके बाद पटना गया स्टेट हाईवे के जाम होने से यातायात पूरी तरह बाधित रही। घंटों बाद मौके पर पहुंची धनरुआ पुलिस ने जाम हटवाकर सभी किसानों को लाइन लगवाकर और खाद का वितरण शुरू करवाया। आपको बता दें, खाद के अभाव में किसानों के खेतों में लगी धान की फसल खराब हो रही है, जिसके कारण ही किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। आईआईटी पटना के 6 हीरो को दिया लाखों का ऑफर। बिहार में हर साल भारी मात्रा में बच्चों को चुना जाता है और उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें प्लेसमेंट देने का काम भी किया जाता है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से बिहार के 6 हीरो को गूगल ने चुना है, जिसमें सबसे अधिक 54.50 लाख सालाना का पैकेज 6 छात्रों को दिया गया। ज्ञात हो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के बीटेक के 34 छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप के आधार पर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दिया है। ज्ञात हो, ये सभी वैसे छात्र हैं जो 2022 में पास आउट होंगे। इतना ही नहीं, एडोब, गोजैक, मीडिया नेट और मोर्गन ने एक एक छात्र, क्लाउड आधारित अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ने भी 2-2 छात्र का चयन किया है। वहीं निवेश बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने 3, बीमा और स्वास्थ्य सेवा फर्म ऑप्टम ने 7, सैमसंग रिसर्च बैंगलुरु ने 3, पब्लिसिस सेपियंट ने 3 छात्रों का चयन किया है। बिहार आईटीआई कैट 2021 के नतीजों की हुई घोषणा। बिहार आईटीआई कैट 2021 के नतीजों की घोषणा बीते दिन कर दी गई है, जिसके तहत ही बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार आईटीआई सीएटी रैंक कार्ड जारी किया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना परिणाम बीसीई सीईबी की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो, ये परीक्षा 5 सितंबर 2021 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित करवाई गई थी। परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ आयोजित की गई थी। वहीं बीते दिन रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद उम्मीदवार रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपने इंडिविजुअल रैंक कार्ड एक्सेस कर सकेंगे। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चयनित शिक्षकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी सरकार। बिहार में शिक्षक नियोजन में धांधली की लगातार शिकायतें आती रही हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग ने बीते दिन एक और अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत सरकार बिहार में सर्टिफिकेट फर्जी होने पर चयनित शिक्षक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है। अब तक कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी भी पाए गए हैं, जिसको देखते हुए ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का सख्ती से आदेश जारी किया है कि जांच में जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएं, उनके ऊपर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं और इसकी सूचना मुख्यालय को मुहैया कराई जाए। 7 साल पुरानी वैकेंसी को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का चिराग ने किया समर्थन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाले इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने बीते दिन जमकर बवाल काटा और सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। हालांकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा के खिलाफ अभ्यर्थियों के विरोध को तब बल मिला जब इस विरोध का समर्थन करने खुद लोजपा सांसद चिराग पासवान भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन तो किया ही, साथ ही वैकेंसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग करते हुए सरकार को खुली चेतावनी भी दी। ज्ञात हो, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 7 सालों से वैकेंसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर कई बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। वीटीआर को मिला विविधता पुरस्कार।
बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की चर्चा बीते कई दिनों से हो रही है, जिसके बाद अब वीटीआर एक बार फिर से चर्चा का पात्र बन गया है, जिसके तहत वीटीआर में जानवरों की बढ़ रही संख्या और वन के दायरे में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में वीटीआर को जैव विविधता पुरस्कार से नवाजा है। हालांकि पहले टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की संख्या कम थी, लेकिन अधिकारियों की मेहनत और जन जागरूकता से न सिर्फ जंगल का दायरा बढ़ रहा है बल्कि वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण ही अब इसे सम्मानित किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को मिला 3 महीने का सेवा विस्तार। बिहार सरकार के मौजूदा सचिव त्रिपुरारी शरण की कार्यावधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। त्रिपुरारी शरण की सेवा अवधि में विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पहले ही पत्र भेजा गया था और इस पर केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत ही अब दिसंबर 2021 तक त्रिपुरारी शरण बिहार के मुख्य सचिव बने रहेंगे, जिसके तहत ही अब सेवानिवृत्त होने के बाद जनवरी 2022 में बिहार के नए मुख्य सचिव का नाम सामने आएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1985 बैच के अधिकारी त्रिपुरारी शरण इस साल 1 मई को बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए थे। के 44 स्थानों पर गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का होगा सीधा प्रसारण। बिहार समेत पूरे देश में केंद्र सरकार और किसान एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां दोनों गुट एक दूसरे को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 25 सितंबर को किसानों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि इसका प्रसारण बिहार के भागलपुर जिले के 44 स्थानों पर किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग और इफको की तरफ से 25 सितंबर को नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस दौरान ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृहमंत्री सहकारिता मंत्री किसानों से रूबरू होंगे और किसानों को उर्वरक, नैनो उर्वरक और कृषि यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। पटना हाईकोर्ट में मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी, होगी 8 जजों की नियुक्ति। पटना हाईकोर्ट में अब मुकदमों के निपटारे में तेजी आने वाली है, क्योंकि जल्द ही पटना हाईकोर्ट में 8 जजों की नियुक्ति होने वाली है, जिसमें खातिम रजा, संदीप कुमार, डॉक्टर अंशुमन पांडे, पूर्णोदय सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा का नाम वकील कोटे से अनुशंसा किया गया है। साथ ही न्यायिक अधिकारी कोटा से नवनीत कुमार पांडे और सुनील कुमार पवार के पटना हाईकोर्ट के जज बनने के लिए नाम की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से दे दिया गया है। इस बाबत बीते दिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी बैठक में इन नामों की पटना हाईकोर्ट के जज बनाने के लिए अनुशंसा की। ज्ञात हो जहां एक तरफ पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं जजों की संख्या घटती जा रही है, जिसके कारण ही 8 जजों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। भव्य होगा बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह, गणमान्य लोगों को भेजा गया न्योता। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह भव्य होने वाला है, ऐसा हम नहीं खुद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का कहना है, क्योंकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीते दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में आने का निमंत्रण दिया है, जिसके बाद उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत के तहत कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न्योता दे दिया है और वो भी समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी आमंत्रित किया गया है। उम्मीद है कि तमाम गणमान्य शरीक होंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर बिहार में तैयारियां जारी है। सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को एकमुश्त मिलेगा डियरनेस अलाउंस। बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए भुगतान करने का निर्णय लिया है, जो कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर में किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 164 की जगह 189% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही पांचवा वेतनमान की श्रेणी में आने वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 312 की जगह 356% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य कर्मियों को 2022 से 39 दिनों का अवकाश भी मिल सकेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में जिला प्रभारियों की हुई बैठक। बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में जिला प्रभारियों की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 41 जिला प्रभारियों को बुलाया गया था। इस दौरान पार्टी ने जिला अध्यक्षों की भूमिका बढ़ाने का फैसला लिया है, साथ ही सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष के अंदर ही काम करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन आयोजित बैठक में सभी प्रकोष्ठों के लोकसभा और विधानसभा प्रभारी का पद समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा आयोजित बैठक में पार्टी पदाधिकारी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यालय स्तर से संगठन के कामकाज को लेकर नजर रखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि विधानसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद अब 2024-25 के मिशन पर जदयू पार्टी काम कर रही है। जीतन राम मांझी ने अपने बयान को बताया सदियों का दर्द।
इन दिनों जीतनराम मांझी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में जीतनराम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। वहीं अब जीतनराम मांझी ने एक और मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाई है, जिसके तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक दलित बच्चे के माता पिता को 23,000 रुपए के जुर्माने को लेकर अपना ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि धर्म के राजनीतिक ठेकेदारों की जबान ऐसे मामले पर चुप हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो हम कह रहे हैं बस सदियों का दर्द है, गुस्से का अब तक हमने इजहार कहां किया है। भ्रष्टाचार के आरोप को डिप्टी सीएम ने बताया निराधार। नल जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि हर घर नल का जल योजना की सफलता से घबराकर विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है। जिस कंपनी को टेंडर देने की बात की जा रही है उस कंपनियों और प्रतिष्ठानों में मेरे परिवार या ससुराल का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। उन्होंने बताया है कि कटिहार जिला के 4 वार्ड में सिर्फ 4 स्कीम मेरे परिवार के सदस्य पूजा कुमारी द्वारा किया गया है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट सरकार के नियमानुसार पीडब्ल्यूडी कोड निविदा प्रक्रिया एवं नियमों के मुताबिक 2019 में किया गया और संबंधित क्षेत्र में जलापूर्ति भी की जा रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी कार्य मेरे उप मुख्यमंत्री बनने के पहले पूरे किए जा चुके हैं। तेजस्वी ने बिहार के पूर्व और वर्तमान उप मुख्यमंत्री पर लगाए पैसे लेने के आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री दोनों पर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत पैसे गबन का आरोप लगाते हुए उन्होंने तारकिशोर प्रसाद के बाद अब सुशील मोदी को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत तेजस्वी ने कहा कि डिप्टी सीएम के लिए सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद का नाम इसीलिए आगे किया क्योंकि उन्हें पैसे दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि जब कटिहार में नल जल योजना का टेंडर हुआ तो उस समय तारकिशोर प्रसाद भाजपा के सिर विधायक थे, जबकि डिप्टी सीएम के पद पर सुशील मोदी थे। ऐसे में ये जाहिर है कि वो होने वाले हर टेंडर की जानकारी सुशील मोदी को रही होगी। अचानक चुनाव के बाद सुशील मोदी डिप्टी सीएम के पद से हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी सिफारिश पर तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे के यरवड़ा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए विधानसभाओं में सीट सुरक्षित करने को लेकर 1932 में एक विशेष समझौता हुआ। बंगाल की क्रांतिकारी राष्ट्रवादी प्रीतिलता वाड़ेदार 1932 में देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली पहली महिला बनी। होंडा मोटर कंपनी की स्थापना 1948 में हुई। भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने 2008 को एक समारोह में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पदवी प्रदान की। देश के पहले चंद्रयान 1 ने 2009 में आज ही के दिन चांद की सतह पर पानी खोज निकाला था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह मंगलयान ने 2014 में आज ही के दिन मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साह का जन्म 1940 में आज ही के दिन हुआ था। आज एक दूसरे से भिड़ेगी चेन्नई और आरसीबी की टीम। आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 24 सितंबर यानी कि आज सीजन का 34वां मैच खेला जाना है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में सीएसके 8 में से 6 मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि विराट कोहली की आरसीबी अब तक 8 में से 5 मैच जीत चुकी है। दोनों टीमों के बीच इस सीजन 25 अप्रैल को भिड़ंत हुई थी, जिसमें चेन्नई ने 69 रन से जीत दर्ज की और आरसीबी के पास बदला लेने का शानदार मौका है, जो कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ज्ञात हो आरसीबी को दूसरे फेज के पहले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं चेन्नई की टीम आज फिर से जीत के इरादे के साथ मैदान में उतरने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जनाब मुस्तकीन खान, यूट्यूब ज्ञान, इंडियन लॉन्ग गेमर, राम बाबू कुमार, टुनटुन यादव, राजीव कुमार, सौरभ 92, सीमा कुमारी, उदय कुमार, सुनीता चंद्रा, सतीश आजाद, रविन्द्र पासवान, आतिक खान, जितेंद्र कुमार, यूट्यूब छोटू धड़कन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार पोशाक योजना से 75% हाजिरी के फैसले को हटाए जाने का निर्णय सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।